कोई तलवार से ज़्यादा गिर करता है, कोई हाउस में ज़्यादा गिरी करता है, सबका अलग अलग तरीका है, लेकिन मेरा वो तरीका नहीं। असल में मैं 16 अगस्त मंत्रालय लेके जाता हूँ और वहाँ पर अच्छे से गुलाब का फूल बनाता हूँ कागज का, और मंत्रालय से बैठे बैठे मालेगांव में भेज देता हूँ। तो वो गुलाब का फूल कागज का बना हुआ माँ सवर से 2 मिनट का पैदा वो आते आते इतना गर्म हो गया धूप थी तो उसमें आग लगी और स्टैंडिंग कमेटी बर्खास्त हो और नए निवेशक के ऐलान राज्य हुकूमत ने किया। अगर आपको इस ताल्लुक से कुछ सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आसिफ सर, 2011 में अतवाल कॉर्पोरेशन का आया, उस वक्त तो जो वहाँ के पहले के ग्राम पंचायत के होटल थे वे सब होने के बाद हीरो बोलो व्यक्ति जैसे मैं बोलो या रहवासी वहाँ के अपना या कि वो गांव में होल्ड कर लेती, इस तरह से भी डबल हो सकती ना सर। वे मैं पहले जुमला मेरा था विधानसभा 114 यादी के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। उस यादी में डबल ओट ट्रिपल ओट ट्रोबल ओट मिलेगी तो हमारी तकरार है। अब वो ग्रामीण भाग की आप बात कर रहे हो, ग्रामीण भाग का ये विषय आज नहीं असेंबली की रचना अलग होती, कॉरपोरेशन की रचना अलग होती, पार्लियामेंट की रचना अलग होती। मैं असेंबली की रचना के हिसाब से बात कर रहा हूँ। सर जो 8,000 आपने दिए इसके अंदर खुलासा नहीं है महल का नाम नहीं पता, इसके अंदर तो पहली बात तो फोटो ही नहीं, फोटो ठीक है। दूसरी बात जो शीर्षक नंबर आईडी नंबर होता है फोटो के ऊपर वो नहीं है 50% से ज़्यादा। तीसरी बात कि गली का नंबर, गली का नाम नहीं है, मोहल्ले का नाम है लेकिन गली कौन सी घर नंबर कौन सा ये नहीं है, हमने उसकी इंक्वायरी मांगा है सिंपल। कई हफ्ते से मुसलसल आप जुमा के रोज अपनी तैयारी करके भोगा सोच का एक अच्छा खासा आटा तैयार करके राज्य सरकार को दे दी, तो इसके अंदर उसके बाद आप कुछ सियासी आपके मुखालफी उनके कुछ नाम दबर आ रहे हैं, फोटो आ रहा नाम हो रहा हो वायरल, तो आपके मुखालफी का ये भी कहना है कि आपकी पार्टी के बड़ा नाम वर्कर हो जाए कारपोरेट हो जाए तो उनका भी हेतु ओपन करो ना साथ साथ डबल और कसवा लिया। जी मैंने शुरुआत में बोला कि कांग्रेस पार्टी के वर्करों का नाम भी नज़र आता है तो वो भी कटना चाहिए डबल, ठीक है। आप जो लोग आपको बोल रहे होंगे आप उनको बोलना आप भी मेहनत करो, आप भी निकालो, आप भी वायरल, इसलिए किसी को मौका थोड़ी है। मेरा इख्तियार है कंप्लेन देना और प्रांत का इख्तियार है कि उसको कार्रवाई या अमल करवाना कानून का भी। अब वो सवाल मैं समझता हूँ प्रांत ऑफिसर मुझसे ज़्यादा आपको अच्छे ढंग से दे सकते हैं। मैं साफ तौर पर बोलूँ किसी का एक जगह नाम है तो मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। दूसरी बात आप लोग को मैं ये मुख्तसर सिर्फ बता दूँ, अभी तो मैं बहुत बाकी मटेरियल बाहर आना बाकी है, मैं उसको स्टेप स्टेप सिखा रहा हूँ। अयूब नगर इलाके की, गांधीनगर अयूब नगर इलाके की एक यादी एक पेटी कम हो जाएगी, एक पेटी ही कम हो जाएगी, यानी एक यादी मुकम्मल तौर पर डुप्लीकेट नाम नजर आए। नाम कहाँ के, इस्लामाबाद के नाम अयूब नगर, इस्लामाबाद की भी हो सकते हैं कहा यादी कम हो जाए, हो सकता है गुलशर नगर डिपो की भी एक दो यादी कम हो जाए। अगर किसी शख्स का 3 जगह नाम है
तो उसको नोटिस देकर पूछा जाएगा तुझको कहाँ रखना है वोटर को, और वोटर को एक जगह वो बोलेगा मुझको यहाँ रखना है, दो जगह कट करना, वो उसका इख्तियार है। तो एक बहुत मुनज्जम साजिश के तहत ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन से पहले साजिश चल रही थी, और ये धीरे 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 अब सब मटेरियल बाहर आ रहा है। और मैं बिल्कुल साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि साफ सुथरा इलेक्शन हो जाए, और यही वजह है कि जो हमारी मुखालिफ पार्टियाँ हैं वो इसलिए हिटाई से ये बात बोल रहे कि कॉर्पोरेशन में हम 40 पार करेंगे, तो उसके रीज़न ये था। लेकिन इंशाल्लाह जब ये काम मुकम्मल पाए तकमील तक पहुँच जाएगा, हम लोग इसमें कामयाबी हासिल कर लेंगे, तो उनका सपना पूरा नहीं होगा। शहर के अंदर आप राजकारण में आखिर कहाँ छपी चलती सुई भी गिनती तो आपको मालूम हो जाता। तो आपने बताया कि इलेक्शन से पहले तैयारी चल रही थी, तो आप क्या करेंगे? आप कितना नहीं थी, आप क्या क्या रिजर्व रहती है आपको चैनल पर? मैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन लड़ता था तो जरूर उस पर ध्यान देता था, मैं असेंबली का उस वक्त मेम्बर था। कैसे सुनबुन क्यों नहीं लगे एकदम साजिश किए? असल में ऐसा है कि जब धोखा हो जाता है किसी को तो वो अपनी तलाश करते कि धोखा क्यों हुआ, कैसे हुआ, कि तह तक जाता, और जब तह तक जाने के बाद ये सब सामने बातें आती है। ऐसी बात है जब सामने आया तो सब मटेरियल बाहर आ रहा, मैं बोल रहा हूँ सब मटेरियल धीरे 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 सबको सामने लाऊंगा। और मैं तो बहुत एहतियात कर रहा हूँ कि कई हमारी बहनें, हमारी मुखालिफ पार्टियों की घरों की महिलाएं, जो हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ, उनका भी नाम है। मैं जानबूझ कर वो सब चीज़ों को दरगुजर कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब मुनासिब नहीं है किसी औरतों का सब बाहर लाए। हाँ, जो एक्टिव पॉलिटिक्स है मैं उनका ला रहा हूँ, जो बेचारे पर्दादार है उनका लाने की ज़रूरत है। बहुत सारे मटेरियल आने वाले, मैं धीरे धीरे आपको बुलाऊँगा, आपका TRP बढ़ते रहेंगे, हमारा अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस होते रहेंगे, आप उसकी फिक्र मत करो। मटेरियल बहुत सर, जो लोगों के नाम आ चुके हैं जो वोटर्स हैं जिनके डबल नाम तो उनसे क्या गुजारिश कर रहे हैं? हाँ, ये बात अच्छा सवाल है। जो लोगों का डबल नाम है, तीन नाम है, चार नाम है, पांच नाम है, आठ नाम तक है, मैं ऐसे लोग मेरे सभी मेरे भाइयों से, मेरी बहनों से, जिन लोगों के नाम ऐसे आ रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कि आपको सियासी पार्टियों के लीडरान ने ठग लिया है, आपसे गलत काम करवा लिया है, अपने मुफाद हासिल करने के लिए। आपको पता भी नहीं होगा कि हमारी बहन को, हमारे भाई को, कि उसका डॉक्यूमेंट एक नाम से लिया गया, वोट बढ़ाने लिया गया, चार जगह बढ़ा दिया गया है। तो ऐसे लोग जो डबल नाम है, तीन नाम, चार नाम, ऐसे लोगों से मेरी अपील है कि आप अपने आप को सेव कर लीजिए, झांसे में कोई भी लीडरान की मत आइए, उनसे धोखा मत खाइए, अपना नाम खुद जाकर 7 नंबर फॉर्म भर के आप लोग डिलीट करवा लीजिए, यही मैं अपील करना चाहता हूँ। इसमें इलेक्शन महकमे की भी हो सकती है, जैसे एक नाम रहता शेख आसिफ शेख रसीद, बाद अगर दूसरी यादी में रहता रसीद आसिफ, ऐसा है ना? मेरा खुद भी हाँ भाई, ऐसा भी बहुत सारा है, मेरा खुद भी ऐसा नाम हुआ था। हाँ, मेरे वालिद का कि अभी मेरा हाँ, ऐसा बाद में दूसरी फार्म हुआ। मेरा ऐसा मानना है कि इससे पहले भी मैंने कहा कि BLO जो म्यूनसिपल टीचर रहते हैं, जो BLO काम करते हैं शहर के अंदर, मैं मानता हूँ सबसे बड़ा जिम्मेदार हूँ। उसके बाद प्रांत ऑफिसर के स्टाफ जो कंप्यूटर में बैठा है, वहाँ का जो निवडणूक विभाग है, मैं समझता हूँ इन लोगों के संगन मत से, इन लोगों के प्री प्लानिंग से, इनको किसी ने भी तो एक बड़ी अमाउंट दिया है, और कोई BLO लोग तो किसी की वर्करी करने के लिए अंधी अकीदत के अंदर, और प्रांत ऑफिसर के कार्यालय उन्होंने पैसा वगैरह उनको मिला, इसलिए सब साजिश रची थी। ये धीरे धीरे सामने आ रही है, और कई लोग जब मुझसे खुद अप्रोच हुए BLO के साहब हमसे छुट्टी हुई है सॉरी, ठीक है सॉरी, गलती जो है वो दुरुस्त कर लो, मैं नाम नहीं बोलूँगा बेचारों का कुछ मसला हो जाए, इसलिए बहरहाल दोनों उसके अंदर नोटिस है और दोनों ही जिम्मेदार है। ऐसा है
कि मैंने बहुत सारे अखबार में दिए गए एक सेंटर से हमने हजारों रोड बढ़ाए, 5,000 रोड बढ़ाए, 10,000 रोड बढ़ाए। मैंने पुलिस कंप्लेन किया हूँ आईटी सेल में मुंबई में, और मैंने ये बोला हूँ कि लॉगन आईडी कौन कौन सी आईडी से कितनी रोड बढ़ाई गई, कौन कौन से सेंटर से बढ़ाई गई, वो आईडी के सबूत प्रांत ऑफिसर हमको दे या पुलिस उसकी इंक्वायरी करे। और अगर एक सेंटर से 2,000 5,000 10,000 रोड बढ़ाई गई है तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अगर वो टीचर है तो सर्वण है तो उसको सस्पेंड किया जाना चाहिए और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। अच्छा, ये नामों में जो दुरुस्ती या गड़बड़ी हुई है ये तो बीएलओ और इलेक्शन डिपार्टमेंट की वजह से हुई है, लेकिन ये जो 8,715 नाम आपने बताए तो उनका वोटर आईडी नंबर ही नहीं है, तो जब वोटर आईडी नंबर नहीं है तो लिस्ट में शामिल कैसे हुए? प्रांत ऑफिसर की सीधे तो मैं कंप्लेन दिया हूँ ना कि तुम्हारी गलती है उसके अंदर, और मुझे राज्य निवडणूक आयोग राज्य निवडणूक अधिकारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का नुमाइंदा है उसका लेटर आ गया है, आदेश उन्होंने दे चुका है और उसकी इंक्वायरी मुकम्मल तौर पर इंक्वायरी कर रिपोर्ट मांगा गया है। तो मेरा पार्ट पूरा हुआ कंप्लेन का, यहाँ से लेकर मुंबई तक और मुंबई तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक की मेरा जारी उनकी टीम बढ़ाता धीरे धीरे लोगों का नाम डबल नाम चार नाम या ऐसा ही बता रहे निकाल निकाल के देखे कई सप्ताह से मुसलसल ये सिलसिला चल रही है। क्या टारगेट है? सर अगर एलसी का जो है वोट पड़ती नहीं, मामूली एक एलसी देना पड़ता, डेट ऑफ बर्थ बताना पड़ता, बिगैर शनाख्ती कार्ड नंबर के कम से कम 5,000 रोड है, तो प्रांत साहब का क्या बोलना है? किस बेस पर उन्होंने इतनी बढ़ा दी है वहाँ पर? प्रांत साहब को अभी हमने निवेदन दिया है, प्रांत साहब से हमारी अपेक्षा है, ये डिमांड हमने की है कि आप लोग इसकी इंक्वायरी करके डिलीट कर दो, पहले चांस लो। प्रांत साहब नहीं करेंगे तो उनके ऊपर भी अधिकारी बैठे हैं, उस वो नहीं करेंगे उनके ऊपर बैठे, वो नहीं बैठे तो हाईकोर्ट का ही आखिर वहाँ तो जाऊँगी मैं। प्रांत साहब ने लेटर दिया नहीं, फर्स्ट जब निवेदन हमने दिया था पहला निवेदन उसके ऊपर बोलना पूरा नहीं, मुझे बताया गया हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, बाकी साथ का नहीं है। नहीं हमने जब फोटो ही नहीं है तो समझ में कैसा रहेगा? तो चल जाएगा मेरा खुद भी एक इलेक्शन पिटीशन मेरी मुंबई हाईकोर्ट के अंदर चल रही है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के अगेंस्ट, और मैंने उसके अंदर डबल रोड ट्रिपल रोड का मुद्दा शामिल नहीं किया। मैंने दो बेस के ऊपर दो पैर उसके अंदर है, पहली ये है कि जो मजहब का सहारा लेकर जो इलेक्शन लड़ा गया वो कानूनी तौर पर बराबर नहीं था, और इलेक्शन कमीशनर ऑफ इंडिया के जो रूल है कानून उसके अंदर मजहब के नाम पर धर्म के नाम पर इलेक्शन नहीं लड़ा जाना चाहिए, बिल्कुल साफ तौर पर है, हमने उसको चैलेंज किया कि मजहब के नाम पर इलेक्शन लड़ा गया। दूसरी बात, हम लोगों ने ये डिमांड की है कि इनको 6 साल के लिए ये इलेक्शन इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए और पाबंदी लगाई जाए, जो पैर हमारी मौजूद है और इसी के ऊपर हम मेरिट के ऊपर केस लड़ रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से भी हाईकोर्ट की छुट्टी है बंद है, इसके लिए थोड़ा ताकीद हो रही है, लेकिन वही बेस के ऊपर मैं इलेक्शन पिटीशन के ऊपर जाऊंगा, और ज़रूरत पड़ने के ऊपर अगर वकील से मशवरा करूंगा, अगर वकील ने कहा कि ये ऐड करना चाहिए ज़रूर इसके ऊपर भी विचार करिएगा। मिल जाएगा लेकिन वकील से सलाह मशवरे नहीं, क्योंकि ऐसा है कि 45 दिन के अंदर पिटीशन दाखिल करना ज़रूरी था कानून के मुताबिक, हम लोगों ने 45 दिन के अंदर जितने पॉइंट हमको ऐड करना था हमने ऐड करके पिटीशन फाइल किया है। अगर ये एडिशनल ऐड करना है तो कोर्ट की परमिशन लगेगी, और कोर्ट उसको जब परमिशन ग्रांट करेगा मंजूर करेगा तो ही ये मुद्दा शामिल हो सकता, तो इसके लिए वकील से बात करी जाएगी, अगर उसके अंदर
कोर्ट में जाने की बात आएगी कि इसको ऐड किया जाए तो उसके ऊपर भी जरूर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जाने की कोशिश शुरू हो गई है तो आपका क्या है? ये तो मैं के इलेक्शन ही शुरू किया हूँ ना, मैं बड़ी बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, मैं तो इलेक्शन की तैयारी कर रहा हूँ। तो पहला सीढ़ी जो है इलेक्शन लड़ने की यादी पे ही काम किया जाता है, जिसको यादी समझे कि वही इलेक्शन के अंदर माइंड होता है। और मेरी तो तैयारी शुरू हो चुकी है, अच्छी बात मैं सोच रहा हूँ। सामने वाले सबको अखबारात के अंदर ही इलेक्शन लड़ना चाहते मैं उसको क्या करूँ, अखबार में अगर वो इलेक्शन लड़ना चाह रहे तो मैं मुबारकबाद देता हूँ कि वो इलेक्शन तक अखबार के अंदर ही इलेक्शन लड़े, मैं तो फील्डों पे लड़ा। बहुत से लोग एहतियात कर रहे थे, मेरी आदत नहीं एहतियात कर रही, ट्रांसमिशन में जो ड्राइवर बीच के बारे में क्या बहुत लोग सोच रहे हैं। इंसान के अंदर एक फितरत होती है और एक आदत होती है, और आदत बदली जाती है, फितरत बदली नहीं जाती। कॉर्पोरेशन के पहले मेयर निहाल अहमद साहब को भी गालियाँ सुनना पड़ी, साजदा निहाल अहमद साहिबा लेडीज स्टैंडिंग चेयरमैन थे उनको भी गालियाँ सुननी पड़ी, और तायरा शेख रशीद साहिबा का भी शहर के सामने। और मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं उसको बहुत अहमियत नहीं दे रहा था और मैं देता भी नहीं हूँ, सब छोटी छोटी बातें को अहमियत में कभी देता नहीं हूँ जिंदगी में, मेरे लिए बहुत बेअहमियत चीज़ है और मैं समझता हूँ उसके अंदर उलझना भी नहीं चाहिए, क्योंकि शहर को इससे फ़ायदा नहीं उलझने से, शहर को फ़ायदा तामीरी काम करना है असल में। और आप लोग को पता है कि मेरा काम करने का तरीका, कोई तलवार से ज़्यादा गिरी करता है, कोई हाउस में ज़्यादा गिरी करता है, सबका अलग अलग तरीका है, लेकिन मेरा वो तरीका नहीं। असल में मैं कोरा कागज मंत्रालय लेके जाता हूँ और वहाँ पर अच्छा सा गुलाब का फूल बनाता हूँ कागज का, और मंत्रालय से बैठे बैठे मालेगांव में भेज देता हूँ। तो वो गुलाब का फूल कागज का बना हुआ माँ सवर से दो मिनट का पैदा आते आते इतना गर्म हो गया धूप थी तो उसमें आग लगी और स्टैंडिंग कमेटी बर्खास्त हो और नए निवेदन के ऐलान राज्य हुकूमत ने किया। असल में इसके पीछे का मकसद यह है जो घटना हुई, और आप लोग असल में थोड़ा छुपा या माफ करना पत्रकार सभी साथियों से, तो थोड़ा सी बीच में जाने का 15 दिन पहले कितने करोड़ों का टेंडर निकला, उसका पहला पैकेट कब ओपन हुआ, सेकंड पैकेट कब ओपन होने वाला है। असल में 3 टेंडर का पैकेट, पहला पैकेट ओपन हो चुका है और करीब एक अंदाज के मुताबिक जहां तक मेरी मालूमात है, जानकारी है, 100 करोड़ रुपए का टेंडर की प्रोसीजर चल रही थी और जैसी सेकंड पैकेट अगर खुल जाता था तो जो मुद्दत वार पर स्टैंडिंग चल रही थी उसमें आ जाता था। निहाल साहब बोला करते थे कि भाई स्टैंडिंग कमेटी सेटिंग कमेटी है, वहां पर पक्षपात नहीं चलता, वह सेटिंग चलती। तो असल में जब सेटिंग खसक गई तो ये सब हालात तो बनने वाले हैं, इसलिए मैं इसको बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देता, लेकिन इतना जरूर है कि मैं कागज चलाता हूँ
और भी बहुत सारे मसाइल मेरे सामने है। हर हफ्ता बम्बई जा रहा हूँ, सरकार हमारी है और जो जो गलत काम पीछे हुए, जो जो गलत काम होने जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह सब कागज़ का पुल बना बना के मालेगांव में भेजता रहूँगा।